कानून व्यवस्था गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के भूमि खरीद गोरखपुर में औद्योगिकरण के लिए यूपीडा द्वारा भूमि अधिकरण तथा जनपद की कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक अपर मुख्य सचिव सूचना व गृह अवनीश कुमार अवस्थी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में अवनीश अवस्थी ने निर्देश दिया कि अधिग्रहण के कार्यों में और तेजी लाया जाए तथा अवकाश के दिनों में भी सब रजिस्ट्रार ऑफिस खोल कर रजिस्ट्री किया जाए एवं जो भी संसाधन की आवश्यकता है उसे तत्काल पूरा किया जाए। उन्होंने जिलेवार भूमि अधिकरण की समीक्षा करते हुए संत कबीर नगर के अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को निर्देश दिया कि 10 सितंबर तक कार्य पूरा कर लें। उन्होंने एसएसपी से नए थाने के निर्माण की जानकारी लेते हुए कहा कि तत्काल उसका प्रस्ताव शासन में प्रेषित किया जाए। अपर मुख्य सचिव ने शस्त्र लाइसेंस एवं शस्त्र दुकानों जांच के भी निर्देश दिए। बैठक में मंडलायुक्त जयंत नालिगर, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता, अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी, एसडीएम सदर प्रथमेश कुमार, तहसीलदार डॉक्टर संजीव दीक्षित सहित विभिन्न जिलों के अपर जिलाधिकारी व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। एक जुलाई का देखा जाएगा जब वो आ गया कल 7-7 महीना हो गया मतलब जब वो आएंगे तो उनका हो जाएगा। सर जो प्रॉब्लम है कि जो हम यहाँ से संशोधन के लिए बुकलेट भेज रहे हैं सर वो संशोधन के लिए गया फिर जैसे कि तैसा फिर रिटर्न हो जाएगा। बहुत लंबी मीटिंग मुझे नहीं ले रही है सर। मैंने अभी बताया कि हम लोग ये मीटिंग कर रहे हैं तो एक तो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के लिए उन्होंने कहा कि हमारे पास आ जाए तो 4:30 बजे उन्होंने अपना जो है 5 बजे वाली मीटिंग 4:30 कर दी जस्ट बिकॉज मुझे कुशीनगर भी जाना है तो 4:30 बजे तक हम लोग को वहाँ वापस भी पहुँच गए। मुझे बताइए गोरखपुर का उनका क्या प्रोग्रेस है परसेंटेज में? ये सर हमने अपडेट कर दिया कितना हो गया ये कितने परसेंटेज है तो इनाम कितने परसेंटेज हुआ है? लगभग 17%। ये एक सादे कागज पर दे दीजिए इनाम सर 18-42 सर 18-42 जो भी है 509 हेक्टेयर में गोरखपुर में अब तक कितना हो गया? 176 हो गया सर। अभी इसमें सर अभी ग्राम समाज का सीसे से हो जाएगा 200 ठीक है वो हो जाएगा लेकिन 170 अगर हो गया है 176 हो गया तो ये कब तक हो जाएगा? आप क्या देख रहे हैं भाई जिन मामला जो है ज़्यादा ही गंभीर हो जाए केवल इस मामले को लेकर मैं आज केवल इस वजह से आया हूँ कि आप लोग जल्दी कर लें। मेरा विंड जो है कल या परसों तक कैबिनेट जा रहा है और वहाँ हम बुंदेलखंड में 92% कर चुके हैं हम यहाँ अभी पीछे ही हैं और मुख्यमंत्री जी का अपना क्षेत्र है तो कहेंगे कि आप लोग इसमें ध्यान दे रहे हैं सर। इसी वजह से उन्होंने कहा कि आप सबको बुलाओ मेरे सामने क्यों नहीं कर पा रहे क्या कारण है कि नहीं कर पा ये करना है आपको सर ईमानदारी से करना है पैसे की कमी नहीं है जो आदमी चाहिए ले लीजिए हमसे लेकिन इट हैज टू बी डन। हम रो रो के कर लें या सर हम मुस्कुराते हुए जल्दी कर लें उसको रोक नहीं कर पाता।